मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रस्सी पप्पू ने ही खरीदी थी। वो लोधी अपने घर से 90,000 रुपए लेकर बाइक से निकला था और इसके अगले दिन उसका शव घर से करीब 45 किलोमीटर दूर नया खेड़ा में उसके फूफा पुरुषोत्तम के खेत पर पाया गया था। मामले में सूचना मिलने पर थाने पर मत कायम करके और इसके बाद सब पंचनामा कराया गया। तत्पश्चात इसमें अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध डॉक्टर की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। जब इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान किया गया तो ये पाया कि पप्पू लोधी अपने घर से जो पैसा लेकर गया था, बाद में उसने किसी जुए के अड्डे पर दाव लगा दिया और उसमें वो हार गया, जिस कारण से वो काफ़ी तनाव में था। इसके बाद उसने और जुआ खेलने के लिए अपने कुछ रिश्तेदार और परिचित लोगों से पैसों की मांग की, परंतु उसको नहीं मिला। इस कारण से वो बहुत दुखी था। अपने एक साड़ू के साथ देवरी से उसने एक दुकान से रस्सी खरीदी और इसके बाद वापस वो अपने फूफा पुरुषोत्तम के खेत पर पहुंचा। अपने कुछ परिजनों से फ़ोन पे बात की, किंतु बहुत अधिक तनाव में अवसाद के कारण उसने फिर आम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके कुछ क्षण बाद जब फूफा मौके पर पहुंचा तो उसने बचाने के लिए उसे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। इस कारण से उसके फूफा पुरुषोत्तम ने यह जानकारी छुपाई और पुलिस को गुमराह किया। यही कारण रहा कि इसमें पुलिस को काफ़ी मेहनत करना पड़ी, लेकिन अभी तक की जो साक्ष्य उस आधार पर हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मामला बेसिकली आत्महत्या का था। इसमें उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आगे विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए हमें। नमस्कार।